रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए मुकाबले में बहुत ही गंभीरता से एक विराट लड़ाई लड़ी गई। इस बोरिंग मैच के खत्म होते ही अचानक से फैंस को इस मैच में इंटरेस्ट आ गया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत के दो दिग्गज कल आपस में ही भिड़ गए, और ये दिग्गज कोई और नहीं बल्कि रन मशीन विराट कोहली और 2011 वर्ल्ड कप के हीरो भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज गौतम गंभीर हैं। इन दोनों स्टार्स की पुरानी राइवलरी के चलते मैदान पर जो कुछ भी हुआ उसका खामियाजा अब इन्हें मैदान के बाहर चुकाना होगा, क्योंकि बीसीसीआई ने इस मामले पर बड़ा एक्शन लिया है। इसके चलते गंभीर और विराट कोहली को करोड़ों का फटका लगा है। क्या थी लड़ाई की असली वजह और इस गलती का कितना जुर्माना भुगतना पड़ा है दोनों खिलाड़ियों को, जानने के लिए देखते रहें क्रिक इन्फॉर्मर। गौतम गंभीर और विराट कोहली की राइवलरी काफी पुरानी है। गंभीर और कोहली को आईपीएल में कई बार आमने सामने देखा जा चुका है, लेकिन इस बार दोनों ने कैमरे के सामने हद ही कर दी। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब लखनऊ बल्लेबाजी कर रही थी और मोहम्मद सिराज पारी का 17वां ओवर फेंक रहे थे। इस ओवर में सिराज और नवीन के बीच कहासुनी हुई। ओवर खत्म होने के बाद सिराज ने जबरदस्ती नवीन के पहुंचने के बावजूद गेंद स्टंप पर मार दी। यहीं से लड़ाई की असली शुरुआत हुई। फिर विराट कोहली भी इस मामले में कूद पड़े। विराट और नवीन के बीच एक कहासुनी मैच के बाद हैंडशेक तक चली। जब सभी खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे उस वक्त विराट कोहली और नवीन का आमना सामना हुआ, तो ये दोनों में कुछ बातचीत हुई। इसके बाद नवीन ने विराट कोहली का हाथ झटक दिया और वहां से मामला और ज्यादा बढ़ गया। इस दौरान गौतम गंभीर अंपायर से गुस्से में कुछ बात करते हुए नजर आए। उसके बाद गंभीर और विराट कोहली के बीच ऐसी कहासुनी शुरू हुई कि मैदान का नजारा एक गैंग वॉर जैसा नजर आ रहा था। एक वक्त पर यह लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। इस लड़ाई के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर गौतम गंभीर, विराट कोहली और नवीन उल हक को बड़ी सजा सुनाई है। बीसीसीआई ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए विराट कोहली और लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर गौतम गंभीर के ऊपर 100% मैच फीस का जुर्माना लगा दिया है। इसका मतलब है कि विराट कोहली को 1,07,00,000 और गौतम गंभीर को 25,00,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के नवीन उल हक को भी बोर्ड ने सजा देते हुए उनके ऊपर 50% मैच फीस का जुर्माना ठोका है, जिसके चलते नवीन उल हक को 1,79,000 रुपए जुर्माना भुगतना पड़ेगा। गौतम गंभीर और विराट कोहली ने इस वाक्य के बाद आचार संहिता के आर्टिकल 2.21 के लेवल 2 का अपराध स्वीकार किया है। वहीं नवीन उल हक ने आर्टिकल 2.21 के लेवल 1 का अपराध स्वीकारा है। इसके बाद इस मामले पर आगे की सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी है। मैच में हुए इस वाक्य की शिकायत मैच रेफरी ने बोर्ड से की थी, जिसके बाद ये एक्शन लेने की खबरें सामने आई हैं। वैसे आपके हिसाब से इस लड़ाई में गलती किसकी थी, विराट कोहली या फिर गौतम गंभीर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।